एक मामला है छोटा सा, वो अगर आप यानी उस पर 1-2 मिनट जो है वो गुफ्तगू कर दें, वो डॉक्टर मामला इसरार तो साहब का बिल्कुल, जो चैनल जो है वो अरे डिलीट हुए। हाँ जी, वो चैनल के मैंने कुछ अर्सा पहले भी इस चीज को हाईलाइट किया था कि उनके चैनल के ऊपर कॉपीराइट्स आ रहे हैं। कुछ कॉपीराइट्स का इशू था, कुछ जो ज्यूस के खिलाफ वीडियोस थी उसके वाले से कोई यूट्यूब की रिजर्वेशन थी, जब वहां पे शिकायत हो रही थी। फिर कोई शायद कोई मीडिया चैनल भी ऐसा था बाहर का, पाकिस्तान का नहीं बाहर का, जिसने इनके खिलाफ कंपेन चलाई। तो मैंने उस वक्त भी जो उनका सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं आसिफ भाई, डॉक्टर सार साहब के बेटे, उनसे मैंने कहा था कि आपने अगर कोई इस तरह की वीडियो चढ़ानी होती है ना, तो नीचे जो आप टाइटल डालते हैं ना, वो टाइटल में आप इस तरह के अल्फाज ना यूज किया करें। आप थंबनेल के ऊपर जो उर्दू लिखी होती है ना, उसमें इस तरह के अल्फाज यूज कर लिया करें, क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो तो सर्च करता है आपके रोमन में की भी टाइप की भी चीजें, यानी आप जिहाद या ज्यूज या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके कोई उसमें नेगेटिव कोई ऐसी बात दिखते हैं ना, तो वो जाहिर है वो कहते हैं आप एक कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर सिग्मा होने की उस एतबार से जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि जाहिर है कि ये सब कुछ हम उन्हीं का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरा हिकमत अमली से तो मामलात को लेके हमें खुद भी चलना चाहिए। वो बहरहाल अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश करते हैं, कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला नया चैनल बना लें, कोई इशू नहीं है, और उसमें जरा इस एहतियात से बनाएं। इंशाल्लाह हम भी अपने चैनल के नीचे उसका लिंक देंगे बाकायदा, उसके ऊपर उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह जाहिर है ये दुख की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह करे कि ये परमानेंटली ना हो। बाजुकात होता है कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगाते हैं फिर वो चैनल बहाल हो जाता है, हमारी तो ख्वाहिश है, जाहिर है पूरी दुनिया के लिए एक हदायत का सबब था वो चैनल। डॉक्टर सराज साहब से तो हमारी एक अकीदत है, एक जमाना था हम लाहौर जाते थे तो दादा दरबार पहले जाया करते थे, अब जब कभी कई साल बाद में लाहौर जाऊं ना तो मैं डॉक्टर सरार साहब की कब्र पे जरूर जाता हूं दुआ करने के लिए, उस दाई कुरान के लिए कि जिसने लाखों लोगों तक कुरान उस पैशन से पहुंचाया जिस तरह के पहुंचाने का हक था, कुरान जिस जोर के साथ नाजिल हुआ था, जिन जज्बात के साथ, वो मिण मिण करके बयान करने वाला कुरान नहीं, बाकी जो कुरान नाजिल हुआ था जिसने अरब के लोगों में बिजली भरी थी, वो डॉक्टर सरार साहब ने प्रेजेंट किया। तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाता हूँ, उनके बेटों से भी मुलाकात करता हूँ, मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ता हूँ। तो अभी खैर मेरी इस टॉपिक पे उनसे बात नहीं हुई है, मेरे चूंकि अभी दिन मसरूफ थे एक दो, कल भी शायद कल रात को मैं फारिग हुआ तो मैं चला उनसे डिटेल करूँगा बात, पर मेरे इल्म में था कि पिछले कुछ 1-1.5 साल से ये सारे इश्यूज चल रहे थे उस चैनल के साथ। हम कंडेम करते हैं जी, एक तरफ तो ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसमें तो कोई ऐसी वल्गर लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं, डॉक्टर सरार साहब तो बड़े कंट्रोल अल्फाज के साथ अपना मुकदमा पेश करते थे, और कोई नफरत भी नहीं उन्होंने उस तरीके से फैलाई है। जाहिर है कि वो जितनी बातें हमारी किताबों में रिपोर्ट हुई हैं वो तो हम बयान करेंगे, वो भी तो बयान करते हैं, आर्मागेडन को वो भी मानते हैं, अगर उनको हक है आर्मागेडन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करने का, तो मुसलमानों को भी हक है, तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया इस हवाले से।